बस एसपी यमुना प्रसाद ने मानव तस्करी के अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने महिला और दो युवक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद मानव तस्करी का खेल हुआ। तस्कर गैंग गरीब घर की महिलाओं को पैसे और शादी कराने का झांसा देकर फंसाते थे। जानकारी के मुताबिक तस्कर 1 से 2 लाख रुपये में महिलाओं को बेचता था। मुजफ्फरनगर, बागपत और हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में भी करते थे मानव तस्करी का खेल। बहजोई इलाके में एक महिला को बेचने के दौरान हिरासत में ली गई और महिला के बाद गैंग को ही पकड़ा गया। गैंग के तीनों आरोपियों से 40,000 की नकदी बरामद हुई है। जनपद संभल में अपराधियों एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह के सदस्य पकड़े गए हैं। इसमें दो पुरुष एक महिला, जो मोहम्मद सानू उर्फ सोनू और विकास शर्मा, इनके साथ एक महिला भी शामिल है। ये तीनों लोग पकड़े गए हैं बहजोई नया रोड बस अड्डा से। इनसे गहन पूछताछ की गई थी। इन लोगों ने बताया कि लगातार ये लोग कुछ ऐसे टारगेट फिक्स कर रखे थे कि गांव में या कस्बाई क्षेत्र में लोगों को संपर्क करते थे, उनसे संपर्क करके जो महिलाएं इनके संपर्क में पहले से होती थी उनको ये लोग शादी का झांसा दे करके या तो शादी करा देते थे या शादी के लिए तैयार करते थे। और